Hello friend, I am Dr. Harshad Rawal MD Homeopath और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो में हम आपको साथ बात करेंगे इनफर्टिलिटी, इसमें भी मेल इनफर्टिलिटी का क्या कॉज होता है और इसमें पर्टिकुलरली कौन से फूड होते हैं कि जिसे तुम्हारा स्पर्म काउंट और मोर्टालिटी एनहेंस हो जाए, और कौन से बेस्ट फूड है जैसे आप घर में भी खा सकते हैं, इसमें कौन सा योगा कर सकते हैं, और इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम बताएंगे। मित्रों, लाइफ 10 से 15 साल में लोगों की जिंदगी फास्ट हो गई है, क्योंकि अभी इंटरनेट फास्ट हो गया है, हमारा वर्क स्टाइल फास्ट हो गया है, और बैठे बैठे हमको काम करने का होता है, और लॉन्ग टर्म हम बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम कम हो जाता है। तो देखने में आया है कि मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फीमेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जितना ही हो गया है, और धीरे 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 जो मेल में फर्टिलिटी बच्चा पैदा करने की जो शक्ति होता है ये कम हो जाती है ड्यू टू इसकी फास्ट लाइफ, क्योंकि फास्ट लाइफ में सारे दिन बैठने का रहता है, लॉन्ग टर्म उसको लेट नाइट जागने की आदत होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, हमारा फूड में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं रही है, क्योंकि जो फूड है ये फ्रोजन है या फूड में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो शरीर तो टेम्पररी तो काम करता है, पर जिसको लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए और उनके जो लाइफ में उनको मैरिज के बाद जो बच्चा करने की जो शक्ति होना चाहिए वो धीरे 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 कम हो जाती है, तो जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं और मेल हेल्थ भी बोलते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे डिजीज आते हैं, जैसे स्पर्म काउंट कम होना जिसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और नील स्पर्म काउंट जिसको जीरो स्पर्म काउंट या इजोस्पर्मिया बोलते हैं, कई बार लो स्पर्म मोटिलिटी होती है, तो स्पर्म काउंट तो ज़्यादा होता है पर इसमें हेल्दी स्पर्म कम होता है, कई बार स्पर्म काउंट तो अच्छा होता है पर मोटिलिटी कम होती है, कई बार मोटिलिटी अच्छी होती है तो स्पर्म काउंट कम होता है, कई बार सेक्सुअल रिलेशनशिप में मीन्स सेक्सुअल इजेक्युलेशन या सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम रहता है, कई बार मोटापा भी उसका को कॉज हो सकता है। तो सो मैनी कॉज आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये कॉज की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रहे। तो आप इसमें से 20-25% ऐसी मोटिलिटी है और ऐसे जो केस होता है उसको आप थोड़ा फूड एनहेंस करते हैं और साथ में आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप मेल इनफर्टिलिटी या मेल हेल्थ में से आप बाहर आ सकते हैं। तो हमने मोटा मोटी बताया कि जो ये मेल हेल्थ में जो होने का कारण, तो सबसे पहले एक ओबेसिटी है, सेकंड थिंग आपको लेट नाइट जागने का होता है, सिडेंटरी लाइफ होता है, थर्ड थिंग कई बार जेनेटिक कॉज होता है आपका फैमिली में और पेरेंट में या आपके भाई बहन में, कई बार बच्चा लो या लॉन्ग टाइम के बाद मैरिज के बाद आता है तो ये भी कारण हो सकता है, कई बार आपको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन हो या एजुकुलेशन का प्रॉब्लम हो इसके कारण भी हो सकता है, कई बार सेक्सुअल लिबिडो होने के कारण आप रिलेशनशिप नहीं कर पाते पत्नी के साथ तो उसका भी कोई कॉज हो सकता है, कई बार आप वेरिगो सेल का जो मेल में प्रॉब्लम्स होता है, कई बार हाइड्रोसेल्स होता है, कई बार गुप्तांगों में कुछ इंजरी होने के कारण भी यही प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार ओवर रेडिएशन के कारण या छोटी उम्र में डायबिटीज या हाइपरटेंशन के कारण भी आपको मेल हेल्थ या मेल का जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार आपको इन्फेक्शन डिजीज हो या ऑटोइम्यून डिजीज के कारण भी आपको मेल हेल्थ या मेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, कई बार ऐसे कारणों में आप थोड़ा फूड में आप थोड़ा चेंजेस करते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, हम आज डिस्कस करते हैं या ऐड कर देते हैं तो ये आपको ये जल्दी मेल हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जैसे लो स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया है, लो स्पर्म मोटिलिटी है या लो स्पर्म काउंट जो प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट रिलेटेड ये ठीक हो सकता है। तो पहले तो अमुक प्रकार के जो फ्रूट है, आप फ्रूट ज़्यादा खाओ तो इसमें आपको जो
माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो शरीर को मिलेगा, जैसे बनाना है और प्रोमेगनेट है या ऑरेंज है या आप मैंगो है, इसमें ओमेगा 3 B12 विटामिन सी ज़्यादातर होता है और लाइपेन की भी मात्रा ज़्यादा बनाना में होती है। तो लाइपेन हमारा जो सेक्सुअल सेल को स्टिम्युलेट करता है और जो हमारा ब्रेन में से फॉलिंग स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है, और जो आपको इंटरनल कॉज के वजह से जो एंजियोस्पर्म होता है वो क्योर हो जाता है। और ये पर्टिकुलर जो विटामिन होता है, ये विटामिन इज अ मेन कॉज। तो आप जो ऐसे फूड आप लेते हैं तो आपको ये लाइपिन आपका शरीर को हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और FSH LH को नॉर्मल करने की कार्य क्षमता रखता है। सेकेंड थिंग, कई वेजिटेबल है जैसे स्पिनेच है और जैसे टमाटर है, या आप पलवल की सब्जी ले सकते हैं, या आप कोई भी पत्ते वाली जो सब्जी है इसमें लाइपेन की मात्रा, विटामिन ए, ओमेगा 6, क्रिएटिनिन, या आपको जो भी फर्टिलिटी के लिए हॉर्मोन्स चाहिए और विटामिन चाहिए या माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, ये हमको लेफी वेजिटेबल और वेजिटेबल में से मिलता है। तो आपको ये भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। खाने के हर रोज आप 200-300 ग्राम फ्रूट खाइए, 400 से 500 ग्राम सुबह से शाम तक आप वेजिटेबल खाइए। तो वेजिटेबल में जो लिविंग शक्ति होती है ये हमारा इनफर्टिलिटी का रिपेयर करने में ये बहुत सक्षम विटामिन माना गया है, क्योंकि कुदरत ने जो बनाया है, कुदरत ही हम विटामिन लेंगे तो कुदरत के साथ एफिलिएट जल्दी हो जाता है। ये जो नट्स होते हैं जैसे वॉलनट्स है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 ज़्यादा होती है और ये हमारे जो गुप्त अंगों में सर्कुलेशन भी बढ़ाता है, हॉर्मोन्स भी नॉर्मल करने में एक सक्षम होता है। तो खुराक में नट्स का भी प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। मित्रों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ये ईक्स खा सकते हैं, क्योंकि ईक्स में प्रोटीन और सेलेनियम ज़्यादा होता है और ऑयस्टर, कई बार आप सी फूड खाते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, ये खाने में फिश एंड ऑयस्टर का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें भी जो हमारा फर्टिलिटी या मोटिलिटी बढ़ाने की कार्य क्षमता। मित्रों, आपको जो चॉकलेट्स लवर हो तो आपको डार्क चॉकलेट भी आपका जो ब्लड थिन करने में, शुगर कंट्रोल करने में, मन शांत रखने में, एंजाइटी दूर करने में ये सक्षम होता है। इसमें आप सब होम फूड भी है, जैसे गार्लिक है, जैसे आप आंवला है और अलसी है। तो ये जो फूड होता है ये फूड हमारा शरीर को, जो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसको स्टिम्युलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और उसकी स्ट्रेंथ एंड पोटेंसी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को ये नॉर्मल प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी का या मेन हेल्थ का, ये फूड आप जरूर कंज्यूम करना चाहिए। मित्रों, योगा में, 5 योगा मैं आपको बताता हूँ, ये आप फिगर में भी देख सकते हो। ये योगा आप जरूर करिए, 1-1 मिनट 2-2 मिनट कीजिए, क्योंकि ये योगा हमारे ग्रोइन एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इसकी पोटेंसी बढ़ाता है और हेल्थ को एनहेंस करता है, इससे स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, मोटिलिटी भी बढ़ता है, सारी जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सेक्सुअल रिलेटेड या आपकी प्रॉब्लम मेल हेल्थ या मेल इनफर्टिलिटी का, ये सॉल्यूशन करने में बहुत सक्षम है। पर इसे धीरे से प्रयोग करना चाहिए, ये रातों रात नहीं हो सकता है। आप 1-2 महीना 3 महीना और लाइफ में भी ये आप हर रोज 15 मिनट करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको फिगर में बताता हूँ, जिसको पश्चिम उत्थान आसन बोलते हैं, पैर लंबा करने का है या अंगूठा हटाने का है, यही करने से आपकी ग्रोइन एरिया में सर्कुलेशन बढ़ता है और सेक्सुअल फंगस एक्टिव हो जाता है, रिदम में हो जाता है। पर कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता है कि सब हमारा ऑर्गन अलग अलग बनता है, तो हम BP की दवा लेते हैं, हम नींद की दवा लेते हैं, डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, हाइपरटेंशन की दवा लेते हैं, तो ये कंट्रोल में रहता है। पर हार्मोनिकल कंट्रोल होना चाहिए, शरीर का जो वाजा ठीक बजना चाहिए वो नहीं बजता है, तो ये हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होता है। तो योगा हम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो आप योगा का सहारा लीजिए, तो सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करने का है।
सेकंड थिंग है भुजंगासन। भुजंगासन दोनों हाथ ऊंचा करने का और पीछे देखने का है। इससे आपका जो ग्रोइन एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जमीन के साथ आपका पेट का कॉम्प्रेशन आता है, इससे तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग बनता है और इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन एरिया में बढ़ता है, ज्ञान तंतु का रिदम बढ़ता है, तो पेट का जो हॉर्मोन्स है कब्जिया दूर होता है, वायु दूर हो जाता है, इससे भी मेल हेल्थ का प्रॉब्लम को एनहेंस मिलता है। देखो योगा में आप कोई भी योगा देखो तो इसमें हाथ पग की कसरत कम है बट सेंट्रल ओबेसिटी की एक्सरसाइज ज़्यादा है। जब दूसरी एक्सरसाइज देखो तो हाथ पैर की एक्सरसाइज ज़्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी की एक्सरसाइज नहीं है। देखो हमारा ऋषि मुनि ने कितना अच्छी तरह हमको ये गिफ्ट दिया है, हम वो गिफ्ट को फॉलो नहीं करते और हम जिम में और योगा में नहीं जाते और जिम में जाते हैं बॉडी बिल्ड बनाते पर हमारा पेट को ठीक नहीं कर पाते। पेट ऐसा है तुरंत बाहर आ जाता है, इससे आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन या आपका जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है। मित्रों थर्ड नंबर का जो आसन है ये सर्वांगासन। सर्वांगासन नीचे वो सो जाने का, पैर ऊंचा करने का, एक मिनट करो, इससे भी जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन से ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें वात पित्त कफ को शमन करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और शक्ति को एनहेंस करता है। थर्ड थिंग है मयूरासन। मयूरासन करना बहुत मुश्किल है, छता भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मयूरासन भी आप दोनों हाथ से सेंट्रलाइज लोकेट करने का है। ये बहुत अच्छा आसन है। हमारा शरीर में ऐसा बोला जाता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको 100% स्ट्रेंथन बनाता है और इसे हमारा जितना स्पाइन अच्छा है इतना आपकी जो हेल्थ अच्छा हो सकता है और आपका जो पैर का मूवमेंट्स या नर्वस मूवमेंट भी ठीक होता है और अच्छी तरह आपका हील भी बनता है और मेल हेल्थ भी ठीक करता है। मित्रों लास्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में सब प्रक्रिया आती है, कपालभाति आता है, अनुलोम विलोम आता है, मेडिटेशन आता है। ये करने से भी आपकी जो मोडालिटी है वो स्ट्रेंथन करता है, ठीक करता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, स्पर्म काउंट नॉर्मल करता है, मोटिलिटी नॉर्मल करता है और साथ में आपको जो सेक्सुअल ईडी का प्रॉब्लम है, अर्ली इजेक्युलेशन का हो और अर्ली डिसफंक्शन का हो या बच्चे होने में कोई तकलीफ हो, पेनफुल कोइटस हो, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रही हो, मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हो, तो सब कुछ ये फूड, योगा एंड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मित्रों वीडियो अब बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको 5 से 6 जो होम्योपैथिक की दवा है ये मेन हेल्थ के लिए यूज़ करता है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एग्नस कैक्सटस नाम की एक जो दवा है, दूसरा नंबर की है लाइकोपोडियम दवा है, थर्ड नंबर की सेलेनियम है, कैलेनियम है, एसिड फॉस नाम की दवा है, लक्स स्वामी का दवा है, काली फॉस की जो दवा है एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा मदर टीचर होम्योपैथिक में भी मिलता है और आप आयुर्वेदिक जो जानकार होते हैं तो आयुर्वेदिक शॉप में से भी अश्वगंधा का पाउडर आदि चम्मच, जो होम्योपैथिक अश्वगंधा लेना चाहते तो 20-20 ड्रॉप गुनगुना पानी में ले सकते हैं, जो आप आयुर्वेदिक दवा लेना चाहते हैं तो ये आधी चम्मच थोड़ा घी में डाल के सुबह शाम गर्म पानी के साथ आप चाट सकते हैं, हनी के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं। और ये सब कुछ दवा बताया और आप योगा करोगे तो आपका जो मेल हेल्थ का प्रॉब्लम है या मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या आपको सेक्सुअल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। तो भी मित्रों मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट देखा है और हमने एविडेंस बेज कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में भी डाला है, 600 जितना हमारा वीडियो है, आप जरूर देखना और आप एजुकेट रह सकते हैं। तो फिर भी आप कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा जे दिया हुआ नंबर से हमको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।